हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे डिवाजेस्ट एसआर 200 टैबलेट्स के बारे में। देखिए, यह जो टैबलेट है इसके अंदर अपन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है प्रोजेस्टेरोन जो कि है 200 mg के अंदर। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है और उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, यह जो टैबलेट है डिवाजेस्ट एसआर 200, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिया गया है प्रोजेस्टेरोन जो कि महिलाओं के अंदर पाए जाने वाला एक हार्मोन होता है जो कि सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। तभी इस हार्मोन की कमी हो जाती है या फिर यह जो हार्मोन है इंबैलेंस हो जाता है तो इसके कारण महिलाओं के कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो उससे राहत पाने के लिए डॉक्टरों द्वारा यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। देखिए, यह जो मेडिसिन है डॉक्टर्स तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब महिलाओं का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसकी कमी के कारण महिलाओं को कई सारी समस्याएं जैसे कि मासिक धर्म से रिलेटेड कोई समस्या, मतलब कि मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स आते हैं उनके माहवारी आती है उसके दौरान उनके बहुत तेज दर्द रहता है या फिर वह माहवारी ऊपर नीचे आने लग जाती है, मतलब कि इम्बेलेंस हो जाती है, टाइम पिक्स नहीं रहता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं रहती है हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण, तो हार्मोन को बैलेंस बनाए रखने में यह जो टेबलेट है काफ़ी अच्छी मदद करती है। या फिर देखिए, जब महिला प्रेगनेंसी कंजीव कर ली होती है तो उसके दौरान भी डॉक्टरों द्वारा यह जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब की जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दिनों में यह जो हार्मोन होता है इसकी कमी होने लग जाती है जिसके कारण बच्चे को खतरा हो सकता है। तो डॉक्टरों द्वारा यह जो मेडिसिन है प्रेगनेंसी के समय भी लिखी जाती है। यह जो टेबलेट है आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि जब इस हार्मोन की कमी होने लग जाती है तो प्रेगनेंसी के दिनों में महिलाओं के माहवारी आ जाती है तो उसके दौरान उसके बच्चा खराब होने का खतरा बना रहता है। तो उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए भी डॉक्टरों द्वारा यह जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब की जाती है। रिजल्ट आपको इस टैबलेट के बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। देखिए, अपन इस टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो यह जो टैबलेट है आपको 200 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg के अंदर अवेलेबल हो जाती है। अपन देखिए, इस टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इसकी डोज डिसाइड की जाती है। नॉर्मल कंडीशन में डॉक्टरों द्वारा यह जो मेडिसिन है सुबह और शाम को लेने की सलाह दी जाती है 200 mg की, लेकिन कई बार देखिए जब महिलाओं को कम समस्याएं रहती है, हार्मोन बैलेंस रहता है, तो तब डॉक्टरों द्वारा यह जो मेडिसिन है दिन में एक बार लेने की भी सलाह दी जाती है। रिजल्ट आपको इस टैबलेट के बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। यदि कोई महिला है वह प्रेगनेंसी नहीं कंजीव करी हुई है लेकिन उसके महावारी से रिलेटेड, मतलब कि पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या है, तब भी डॉक्टरों द्वारा यह जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब की जाती है। और प्रेगनेंसी के बाद में तो डॉक्टरों द्वारा यह जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के समय यह जो हार्मोन है इसकी कमी होने लग जाती है, तब डॉक्टरों द्वारा मेडिसिन देकर इस हार्मोन की पूर्ति करवाई जाती है। तो आपको इस हार्मोन के रिजल्ट, मतलब कि आपको इस टैबलेट के रिजल्ट तो बेहतरीन देखने को मिलेंगे, आपको इसकी कई सारी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। अपन देखिए, इसके कुछ नॉर्मली साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो वैसे आपको इसके कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब महिला इस टैबलेट का उपयोग करती है तो देखिए नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है या फिर किसी तरह का कोई चक्कर आना या एलर्जिक समस्याएं हो जाए, तो आप इस टैबलेट का तुरंत उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टैबलेट का उपयोग करें। अपन देखिए, इस टैबलेट की प्राइस के बारे में बात करें तो अभी मैं जिस टैबलेट का रिव्यू कर रहा हूं डिवाजेस्ट एसआर 200, इस टैबलेट की प्राइस है मात्र 397 रुपये, जिसके अंदर 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्य ब्रांड कोई दूसरी टैबलेट का इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन दिया गया हो तो उसकी प्राइस में आपको कम या ज्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए, यह जो टैबलेट है आपको टैबलेट फॉर्म के अंदर या कैप्सूल फॉर्म के अंदर मिल जाती है, तो आप उससे घबराइए नहीं। इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है सेम होता है, तो रिजल्ट आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है डिवाजेस्ट एसआर टैबलेट के बारे में कि कब और कैसे इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है और उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।